पंजाब के मोहाली में इस समय कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर जो तस्वीरें हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ यहां पर तमाम ये लोग उतरे हैं जो कि कैप्टन सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी और प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। प्रदर्शन में हजारों लोग यहां पहुंचे हैं। अकाली दल कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो ये जो प्रदर्शन है वो अकाली दल की तरफ से है और कैप्टन सरकार उसकी नीतियों के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, एक तो पहले ही कांग्रेस के अंदर ही दो खेमे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन का, जिसको लेकर अभी तक कोई फाइनल फैसला दिल्ली से नहीं हो पाया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, प्रदर्शन किस बात को लेकर? ये रास्ता कभी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुकी है। पंजाब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐलान है कुछ महीने बाद और उन चुनावों से ठीक पहले, ये रास्ता कसी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुकी है। पंजाब के अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उसी को लेकर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर हंगामा बरपा है, अकाली था, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी भी है और इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जो कार्यकर्ता अकाली दल के यहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। इससे पहले सुखबीर बादल के ऊपर FIR दर्ज मोहाली में ही हुई थी कुछ दिन पहले और आज स्वास्थ्य मंत्री के बर्खास्तगी को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल खुद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे घेराव करने। सामने वो तस्वीरें देखिए कि वाटर कैनन का अभी भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए और सुखबीर बादल को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको थाने लेकर गए हैं। तो यहाँ पर दूसरी ह्यूमन चेन बनाए रही है पुलिस इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, क्योंकि एक बैरिकेडिंग को अकाली दल के कार्यकर्ता तोड़कर आगे बढ़ चुके थे और गर्मी की वजह से ये देखिए लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं और डिहाइड्रेशन का भी खतरा हो सकता है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार भाषणबाजी चल रही थी, मशक्कत चल रही थी। कोरोना की महामारी का भी दौर है और अभी कोरोना के केसेस हालांकि कम होने शुरू हुए हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन अगर हुए तो एक बार फिर भी कहीं ना कहीं उस महामारी को निमंत्रण इसे कहा जा सकता है कि किस तरीके से तस्वीर देखिए कि कोई भी जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का कहीं पे भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और ये जो रास्ता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस की तरफ जाता है जहां पर वो रहते हैं और उसे घेरने के लिए अकाली दल के कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने दो तीन जगह पर बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार अकाली दल के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, सुखबीर बादल को हिरासत में ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अभी हाल ही में अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी किया है, तो यहाँ पर अकाली दल के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के झंडे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अकाली दल और BSP दोनों का संयुक्त मतलब जॉइंट ये विरोध प्रदर्शन था और यहाँ पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। हालांकि अभी सुखबीर बादल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं। तो दूसरी तस्वीर ये है कि अभी भी यहाँ पर अकाली दल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर रुके हुए हैं और ये बैरिकेडिंग आप सीधे देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी है। यहाँ पर लगातार तस्वीरों में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है लगातार पानी की बौछार कर रही है और प्रदर्शनकारियों पर लगातार पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन साथ ही जाना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि BSP और अकाली दल दोनों ने गठबंधन किया है और आने वाले समय में चूंकि वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर जाहिर सी बात है उनके लिए ये एक पॉलिटिकल गिमिक भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये बताएं कि सुखबीर सिंह बादल के अलावा और भी किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और भी कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंचा था इस प्रदर्शन में?
देखिए श्वेता, मैं बता दूं, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया समेत जो बहुजन समाज पार्टी है उनके चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट वो यहां पर मौजूद थे, लेकिन फिलहाल यहां पर जो रस्साकसी हुई है उस रस्साकसी के बाद सिर्फ सुखबीर बादल को पुलिस हिरासत में लेकर यहां से चली गई है और यहां पर उनकी गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई थी, दूसरे रास्ते से उनको ले जाया गया है। ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग की तरफ सैकड़ों की तादाद में अकाली दल के कार्यकर्ता और नेता यहां पर ठहरे हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर यह है कि वहां पर पीछे कैमरे से दिखाऊं, अभी भी वाटर कैनन लगातार चल रहा है और वो जो दूसरी बैरिकेडिंग है उससे पहले ये ह्यूमन चेन यहां पर पुलिस ने बनाई हुई है ताकि जो बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जमकर सुबह से ही अकाली दल के कार्यकर्ता लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पीछे अगर मैं कैमरे को ऊपर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और जो दूसरी बैरिकेडिंग की गई है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बिल्कुल नजदीक है वहां पर जो कार्यकर्ता जाना चाह रहे थे पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर उनको रोकने की वहां पर कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस को यहां पर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा इस तरीके के विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जाएंगे और राजनीतिक दलों में जुड़ने टूटने का दौर भी कहीं ना कहीं शुरू होता जाएगा। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अकाली दल के कार्यकर्ता और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी इसे कहा जा सकता है। और दूसरी जो हैरान करने वाली और डराने वाली तस्वीर ये है कि कोरोना की महामारी है और इस महामारी में पंजाब में जो डेथ रेट थी वो सबसे ज्यादा थी, यानी कि मृत्यु दर पूरे देश में सबसे ज्यादा पंजाब में नोट की गई थी और अभी भी बड़ी तादाद में लोग कोरोना से सामना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में इस तरह का अगर प्रदर्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी के लिए खुला इन्विटेशन है कि केस जो कम हो रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल यहां पर किसी ने फॉलो नहीं किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं।